फ्रेंड्स, मैं रीता कदम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये डिज़ाइन बनती है 6+1 और प्लस ये 2-2 फंदे उल्टे रहेंगे। ये देखिए, ये बीच में 2-2 फंदे उल्टे रहेंगे और 6+1 पर डिज़ाइन ही है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप ये स्टार्ट करते हैं और ये 6 फंदे लेते हैं, स्टार्ट में यदि ये 6 फंदे की करते हैं तो एंड में अपने को ये प्लस जो 1 रहता है वो 1 आना चाहिए। और यदि आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो एंड में ये लास्ट में 6 वाला आना चाहिए। तो आपकी डिज़ाइन के फंदे हमेशा इक्वल रहेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले यहाँ पर स्टार्ट में 6 फंदे लिए हैं, तो मैं एंड में ये 1 फंदा लूँगी। तो इसको बुनते हैं। तो पहले 2 फंदे तो उल्टे बुन लेंगे। ये जो बीच में प्लस 2-2 फंदे उल्टे हैं तो इनको दो दो को उल्टा ही बुनना है और उधर की साइड से इन्हें सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर ये है 6 फंदे, 2, 4, 6। तो इनको क्या करेंगे, पहले ये 2 फंदे का एक बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे का एक बना दिया और ये 2 फंदे सिंपल बुन लेंगे सीधे, 1 और ये 2। फिर ये जो एंड में 2 फंदे हैं तो इनको 2 का 1 कर दिया। तो ये 6 फंदे थे तो 6 के 4 हो गए, मतलब एक इधर बंद कर दिया, एक इधर बंद कर दिया। अब ये 2 फंदे उल्टे, ये 1 और ये 2। 2 फंदे उल्टे लेके ऊन अपने इधर ही रहने देना है और ये जो प्लस फिर 1 था, 6+1 है ना, तो ये जो 1 फंदा है तो ऊन इधर ही रहने देंगे और जहाँ जाली डाल देंगे, मतलब 1 फंदा बढ़ जाएगा। ये ऊन अपने इधर करके 2 उल्टे, 1 और ये 2 उल्टे। फिर उन पीछे करके ये जो 6 फंदे हैं इनमें शुरू में 2 फंदों का एक करेंगे, 2 सादे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, ये 6 फंदे के मैंने 4 कर लिए, 2 का 1 पहले, 2 सादे बुने, 2 का 1, है ना। अब ये 2 उल्टे बुन लिए। अब ये जो 1 1 फंदा है तो ऊन इधर ही रहने देंगे और 1 जाली डाल देंगे और ये 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब जब ये उधर उल्टी सिलाई आएगी नेक्स्ट, तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 उल्टे बुने थे उनको 2 सीधा बुनेंगे। फिर ये जो अपने बढ़ रहे हैं या ये जो 6 फंदे हैं ये उल्टे बुनाएंगे और ये जो 2 2 फंदे उधर से उल्टे बुने थे इधर से सीधे बुन के बाकी के सब उल्टे बुनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 6 फंदे के 4 हो गए और ये 1 फंदे के 2 हो गए। ये देखिए, अब अगली सिलाई पे क्या करेंगे, ये 2 तो उल्टे हैं, ये 2 उल्टे ही बुनाएंगे और ये जो 6 सीधे थे ये 4 हो गए थे और अब 4 से 2 हो जाएंगे। तो इन 2 को 2 फंदे का 1 कर देंगे, ये 1 हो गया और ये 2 हैं इनका भी, अब ये 4 थे तो ये 2 हो गए। ये देखें, है ना, अब उन इधर करके ये 2 फंदे उल्टे। अब अभी पहले क्या था, अपन ने 1 जाली डाली थी, अब 2 जाली डलेगी। तो कैसे डलेगी, तो उन अपने इधर ही रहेगा और ये इसको 1 जाली डाल लेंगे और ये 1 जाली दिखेगी इस पर ऊन आगे करके। पहले 1 जाली डली थी, अब 2 जाली डलेगी, फिर 2 फंदे उल्टे, ये 1 2 और भी 4 है, इनको 4 के 2 हो जाएंगे। ये 2 फंदों का 1 करा, फिर ये 2 फंदे हैं इनको 1 करा, ये 2 फंदे उल्टे। वो भी अभी पहले 1 डली थी, अब 2 जाली डलेगी तो ऊन इधर ही रहेगा, ये 1 जाली, ऊन इधर करके ये 2री जाली और ये 2 उल्टे। और उल्टी सिलाई पर ये जो उल्टी सिलाई पर ये जो सीधे दिख रहे हैं 2 उल्टे, ये सीधे बुनाएंगे और बाकी के सब उल्टे बुनाएंगे। ये 2 2 सीधे आएंगे बीच बीच में और बाकी सब उल्टे बुनाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन दिखने लगी है। और अब क्या करेंगे, ये 2 फंदे हैं इनका 1 होएगा और ये 2 जाली। अपन ने पहले 2 फंदे बंद किए थे तब 1 जाली डली थी, तो वो अब फंदे कम हो गए थे, तो अब इधर 1 फंदा बंद होगा, 2 जाली डलेगी तो अपने फंदे वापस बराबर हो जाएंगे। तो ये देखें, इस सिलाई पे ये 2 उल्टे बुने, 1 और ये 2, फिर इन 2 फंदों को 1 किया, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, है ना। अब ये ऊन अपने इधर ही रख के ये 1 जाली बुनेंगे, उसके बाद ये 2 फंदे ऐसे ही सादे बुनेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2, और अब ये जाली दिख रही है तो अब इस पर 1 जाली, मतलब ये बीच में अपने बढ़ गए। ये देखिए,
देखो ये जाली से ही बन जाए। एक बार और दिखाती हूँ मैं इधर, ये देखें दो फंदे उल्टे बुन लिए। अभी अपने 6 में से 2 फंदे बचे हैं, तो इन दो को भी एक बना दिया। अब ये दो फंदे उल्टे और ये ऊन अपने इधर ही रहेगा, और ये एक जाली डल गई और ये दो फंदे दिख रहे हैं, इनको ऐसे सीधे बुन लेंगे, ये और ये दो। यदि आपको यहाँ जाली दिखेगी इस पर एक जाली डालेंगे। और फ्रेंड्स आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अभी ये अगली सिलाई पे फिर आपको दिखने लगेगा कि जो दो अपन इधर उल्टे बुनते हैं वो सीधे ही बुनाएंगे, और जो बाकी के अपने सारे फंदे हैं ये उल्टे बुनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके लिए इस डिज़ाइन को बनाने को मैंने 24 फंदे डाले थे, तो ये एंड में मेरे 24 फंदे ही बच रहे हैं। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, है ना। तो ये क्या होगा कि पहले जब एक जाली डलेगी और इधर दो दो फंदे बंद होंगे, तो फिर एंड में क्या होता है कि जब ये एक फंदा बंद होता है और इधर दो जाली डलती है तो फंदे वो अपने बराबर हो जाते हैं, है ना। अब पहले अपन ने यहाँ पर 6 लिए थे, यहाँ 1, 6, 1, तो अब क्या होगा, अब डिज़ाइन पलट जाएगी। अब अपना यहाँ 1 से यहाँ जाली बनेगी, 6 ये बंद होंगे, यहाँ जाली डलेगी, 6 में से ये बंद होंगे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, तो अब क्या होगा कि ये दो उल्टे फंदे बुने, ऊन इधर ही रहने दिया और ये एक फंदे पे जाली डाल दी, ये दो फंदे उल्टे बुने, और ये जो अपना एक फंदे के अपन ने ये देखें 6 कर लिए थे, 2, 4, 6, है ना, ये 6 हो गए। तो इसमें पहले ये दो फंदे बंद होंगे, ये देखें ये बंद हुआ, फिर दो फंदे सादे बुनेंगे, 1, 2, और फिर ये दो फंदे बंद होंगे, फिर दो फंदे उल्टे, ये 1, 2, और अब इस पे एक जाली डलेगी, ऊन इधर ही रहेगा और ये जाली डल जाएगी और ये बंद हो जाएंगे। और फिर जब अगली बार आएंगे तो एक जाली इधर डल जाएगी, एक जाली इधर, जैसे देखें पहले ये एक जाली थी, फिर ये एक इधर, फिर उसके बाद आएंगे तो ये इधर जाली, इधर जाली। तो ये देखें इस प्रकार से ये। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।